भरूण ललिता में शिक्षा बिजली पेयजल समेत बुनियादी सुविधा को लेकर ग्रामीणों की बैठक आयोजित। समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। चक्रधरपुर के भरूण ललिता गांव में शिक्षा समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों की बैठक ग्राम मुंडा गणेश चंद्र डांगिल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मौके पर समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह बीबी गागराई उपस्थित थे। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए करीब 23 साल हो गया है, मगर अब तक इस गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध ग्रामीणों को नहीं हो पाई है। आज भी पेयजल के लिए हम लोगों को कुआं का पानी पीना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार यहां कुआं, तालाब एवं पेयजल के लिए नलकूप लगा दे। इसके साथ ही घर घर में बिजली एवं विद्यालय में अच्छा शिक्षक की व्यवस्था करे। उन्होंने कहा यहाँ के विद्यालय के शिक्षक आते ही नहीं है, जिस कारण शिक्षा का स्तर काफी खराब है। अगर नियमित रूप से शिक्षक यहाँ के बच्चों को शिक्षा देंगे तो गांव में शिक्षा का माहौल बनेगा, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। उन्होंने कहा सरकारी उदासीनता के कारण यहाँ के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। आज भी जरूरतमंद लोगों को वृद्धा पेंशन, बकरी शेड, प्रधानमंत्री आवास, घर घर में शौचालय नहीं बना है। सारी समस्या सुनने के पश्चात समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए डीसी एवं आवास, बकरी शेड, कुआं, तालाब के लिए वीडियो से बातचीत की जाएगी और मांग किया जाएगा कि जल्द से जल्द इस गांव में लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग से बात कर जल्दी यहां बिजली की व्यवस्था करा दी जाएगी। उन्होंने कहा यहाँ शिविर लगाने की मांग कर वृद्धा पेंशन, बकरी शेड, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय समेत अन्य समस्याएं दूर किया जाएगा। इस मौके पर कार्तिक डांगिल, धन सिंह डांगिल, कृष्णा चंद्र डांगिल, साधु डांगिल, सुखलाल डांगिल, मुन्नू लोहार, सावित्री हेमब्रम, विनोद गोप मुंडा डांगिल समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित। आज दिनांक 30 अक्टूबर सोमवार के दिन मैं डॉक्टर विजय सिंह गागराई, समाज सेवी और पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव, आज मैं चक्रधरपुर प्रखंड के ललिता पंचायत के भरूण ललिता गांव आया हूं। यहां ग्रामीणों द्वारा एक विशेष बैठक आयोजित की गई है, जहां ग्रामीणों से बातचीत करने के पश्चात उन्होंने मुझे जो समस्या बताया उसमें कुछ वृद्ध जिनको विधवा पेंशन मिलता है या वृद्धा पेंशन मिलता है, उन लोगों को पेंशन मिल रहा था लेकिन किसी कारणवश उनका पेंशन रुक गया है। मैं उनका आधार कार्ड और बैंक का पासबुक जेरोक्स लेके मैं कल ब्लॉक में जाके संबंधित अधिकारियों से इसका जानकारी लेके उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा एक ग्रामीण का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होने के चलते वो अपना आवास नहीं बना पा रहे हैं, उनके पिता नहीं है, उनके साथ उनकी माँ निवास करती है, वो विधवा है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीडीसी और उपायुक्त महोदय से मिल के उसको अम्बेडकर आवास, नहीं तो अभी जो सरकार का नया योजना आ रहा है वो आवास, उसके तहत उसको मैं घर दिलाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उनको बकरी पालन का शेड नहीं मिल पाया। मैं उनसे यही कहा कि आप ग्राम मुंडा और मुखिया को बुला के ग्राम सभा करवाइए, उसमें आप ये जितना भी आपके जो मांगे हैं उसको वीडियो के नाम से पारित करा करके आप हमको दीजिए। मैं आपका काम को वीडियो से लेकर डीडीसी से लेकर उपायुक्त तक पहुंचा के आपका जो भी मांग है उसको मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा। इसी तरह और भी जो भी समस्या है इस गांव में, चाहे वो पानी का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, सड़क का समस्या हो, और एक समस्या अभी जैसे बातचीत करते हुए मैंने लड़का मेरे को कहा कि उनका स्कूल में विद्यालय तो है लेकिन बच्चों को उचित शिक्षा या सही ज्ञान मास्टर जी शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने इनसे यही कहा कि आपके इस गांव में जो ग्राम शिक्षा समिति है उसके अध्यक्ष और उसके जो सचिव है उनके क्या रोल है, उनके क्या कर्तव्य है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। वो जब तक ये सारी समस्याओं की जानकारी ग्रामीणों के साथ बैठ के जब तक शिक्षक के सामने नहीं रखेंगे या इसकी जानकारी वो मुखिया को नहीं देंगे, प्रखंड में जो भी पदाधिकारी उनसे है उनको नहीं देंगे, तो समस्या इसी तरह का रहेगा। मैं ग्रामीणों से यही आग्रह करता हूं
कि आप लोग जागरूक नागरिक बनिए, आपके हक और अधिकार आपको सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो आपको मिला हुआ आप उसको पहचानिए, जागरूक नागरिक बनिए, आपको जो भी सरकार के द्वारा जो सुविधा है, सरकारी सुविधा या आपके जो अधिकार है, आपको सारा आपको सरकार आपके द्वार तक आपको पहुंचाएंगे। चलिए, मैं सबको फिर यहाँ उपस्थित आए हुए सभी लोगों को मैं जोहार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ।